अगर ममता बनर्जी भगवान श्री राम से के नाम पे उनको चिढ़ है तो जनता उनकी इस चिढ़ का जवाब देगी, क्योंकि वो अपने आराध्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाली है जनता। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में मजबूत विपक्ष मजबूत पार्टी के रूप में अगर भाजपा उभर रही है, लोगों की उम्मीदें उनसे बन रही हैं, आशाएं बन रही हैं, उनको लग रहा है कि भाजपा की सत्ता में आने के बाद यहाँ विकास के पौध खिलेगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, स्वास्थ्य शिक्षा पे काम होगा, तो वो भाजपा के पक्ष में जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। उनको तानाशाही रवैये से मुक्ति मिलेगी, गुंडागर टीएमसी के गुंडे जिस तरह से अराजकता का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में बनाए हैं उससे मुक्ति मिलेगी। जी भाई, आप किसी दुकान पे अगर बजरंगबली का झंडा लगा है तो उसको आप पिटाई कर देंगे, उसके साथ आप अमानवीय व्यवहार करेंगे, तो कहाँ तक आप माफ किए जा सकते हैं? ये सरासर गलत है। और दूसरी बात, समय समय पर आप पिछले कार्यकाल में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और केरल दोनों एक तरह की स्थिति, केरल में भी जिस तरह से संघ और विद्यार्थी परिषद और भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उनको जबरन उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पिटाई हो रही है, लहूलुहान किया जा रहा है, सेम वही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। तो आप में और कम्युनिस्टों में अंतर कहाँ दिखता है? अभी कुछ एक साल हुआ होगा, एक साल पहले विद्यार्थी परिषद की एक बहुत बड़ी रैली निकलती है छात्र हितों को लेकर, उसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पुलिस को आदेश देती गोली चलाने की, दो छात्र 22 साल 24 साल के युवा छात्र जो हैं उनकी हत्या हो जाती है उसमें, पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ नहीं बोलती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस कदर किस तरह का शासन किया जा रहा है, न वहाँ युवा महफूज है, न वहाँ की राजनीति महफूज है, न वहाँ के आम जनता महफूज है। लेकिन जो विपक्ष का, कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, ऐसे लोगों का जो रवैया बन गया है कि अगर भगवान को अपमानित करेंगे, उनके उपहास उड़ाए जाएंगे, तो वो दूसरी कौम जो है वो खुश होगी। जी। उस कौम को खुश करने के लिए, वो 17% वोट हासिल करने के लिए ऐसा चाल चलते हैं वो, जबकि उनके भी वोट बटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके एक मुस्त वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं या ममता बनर्जी को मिल रहे हैं, उनके कुछ वोट भाजपा को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रिपल तलाक जैसे अगर संसद में कानून ला के ट्रिपल तलाक से आज़ादी दी जाती है, जो सदियों से एक परंपरा कुरूती बनती चली आ रही है, तो लोग आज लोग रेशमा हों या नजमा हों, वो भाजपा के पक्ष में, अमित शाह के पक्ष में खुल के आती हैं, बयान उनके जारी होते हैं कि हमको आज़ादी मिली, हमको मुक्ति मिली है, सदियों की दास्ता से मुक्ति मिली है। तो ऐसा नहीं है कि वे एक वोट बैंक की राजनीति, आपकी बात सही है कि वो वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में सनातन का अपमान करते हैं, संघ को गाली देते हैं, भगवान राम के विषय में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज बंगाल में जो राजनीति हो रही है, बंगाल का जो माहौल है उस पर चर्चा करेंगे। जो अभिजीत बनर्जी की वाइफ, ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी के साथ सीबीआई ने जांच करी है और कोयला घोटाले में उनका नाम आया है उस पर, उसके बाद जो सियासत छिड़ गई है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, उस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि अवनीश राजपूत जी क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, जब चोर को पकड़ा जाए तो चोर कहने लगे कि सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और जब पुलिस सीबीआई के पहुंचने से पहले वहां पे ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं, आखिर ऐसा कैसे? इसको दो अलग अलग विषय से हम समझ सकते हैं। पहला तो मेरा जवाब उन लोगों को है जो ये कहते हैं कि चुनाव आने के पहले भाजपा या अमित शाह या नरेंद्र मोदी सीबीआई का, ईडी का सहारा लेते हैं। उनके लिए मेरा एक सवाल है कि क्या वो कोई लिस्ट बनाएंगे, कोई कैलेंडर बनाएंगे कि किस राज्य में कब सीबीआई पहुंचे? क्या सीबीआई ये इंतजार करेगी कि आप बताएंगे तो आपके हिसाब से हम काम करेंगे? अगर आपका नाम कोयला घोटाले में आता है, आपके परिवार के लोग उसमें शरीक हैं, तो सीबीआई जांच करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप बीच में कूदेंगे और कूद के बताएंगे कि एक मुहूर्त निकाल दीजिए ना कि सीबीआई कब काम करेगी कब नहीं काम करेगी, आपके हिसाब से सीबीआई काम करेगी? आप तय करेंगे सीबीआई कहाँ काम करना कहाँ नहीं करना है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगर 2 साल बाद, तो सीबीआई वहाँ काम ना करे, राजस्थान में काम ना करे, पश्चिम बंगाल में काम ना करे, दिल्ली में ना काम करे, तो ये भाई कोई ऐसी टर्मोलॉजी तो है नहीं कि सीबीआई को कब कहाँ काम करना है। दूसरी बात, अगर सांच को आँच नहीं आती है, सब लोग कहते हैं अगर सच्चाई है तो आँच नहीं आनी चाहिए, तो आखिर क्यों अभिषेक के घर जब सीबीआई पहुँचती है उससे पहले ममता बनर्जी उसके घर पहुँच जाती हैं? अगर राजनीतिक दबाव नहीं बनाना रहता सीबीआई पे तो ममता बनर्जी क्यों जाती? छोड़ देती सीबीआई को फ्री हैंड ना। आज वही ममता बनर्जी का राज्य है, वही पश्चिम बंगाल है जहाँ कभी सीबीआई को ममता बनर्जी चैलेंज करती थी कि मैं घुसने नहीं दूंगी। आज सीबीआई उनके घर में घुस के जांच कर रही है और ममता बनर्जी राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उससे पहले वहां पहुंच जाती हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर आपका नाम कोयला घोटाले में आता है, सीबीआई अगर जाँच करती है, तो आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए। अगर आप सच्चे हैं, आपका परिवार सच्चा, आपका भतीजा सच्चा है, तो आप प्रतीक्षा करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप उस पर राजनीतिक दबाव बनाकर सीबीआई को
गुमराह करने की कोशिश करेंगी और एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी कि चुनाव होने वाला है इसलिए अमित शाह गृहमंत्री हमारे ऊपर सीबीआई की जांच करवा रहे हैं, ईडी की जांच करवा रहे हैं। अरे भाई, अगर चुनाव को लेके ही आप सीबीआई या ईडी की बात देखेंगे तो इसका मतलब हर राज्य में, देश में कहीं कहीं, हर राज्यों में कहीं कहीं चुनाव होते रहते हैं। 12 महीने में आप देखेंगे, आज गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, 2 दिन पहले राज्यसभा का चुनाव था, उससे पहले राजस्थान में चुनाव था, पंजाब में निकाय चुनाव थे। तो भाई चुनाव तो लगातार होते रहते हैं, तो क्या सीबीआई हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे कि यहाँ चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी, उसके 4 महीने बाद करेंगे तब जांच करेंगे? तो ऐसे नहीं चलता भैया राजनीति। ये राजनीति अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है। 20 साल हो गए ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में राज करते हुए। आज 20 साल में पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है लोग देख रहे हैं, स्वास्थ्य की बात किया जाए, शिक्षा की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, 20 साल में आखिर आपने दिया क्या? अगर जनता परिवर्तन का मूड बनाती है, उसको एक अच्छा विकल्प भाजपा में दिखता है, तो भाजपा की तरफ जाएगी जी। पर ममता बनर्जी तो सर कह रहे हैं कि विकास किया है और बीजेपी उस विकास को ढकने की कोशिश कर रही है, राम का नाम ला रही है, इस पर किस तरीके से? देखिए एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये विषैले जो पार्टियां हैं ना, ये विषैली पार्टियां हैं। इन दोनों का जो समुच्चय होता है ना, जब दोनों मिलती है ना, तो टीएमसी का निर्माण होता है। ममता बनर्जी उसी टीएमसी की एक पौध हैं, वहीं से निकली हैं, तो उनके मन में हमेशा ये रहेगा ही, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, तानाशाही रवैया उनका रहा है जी। तो तानाशाही रवैया से तुष्टीकरण की अगर आप राजनीति करेंगी तो जनता कहाँ तक आपको देखेगी? जय श्री राम के नारे में जिसको सांप्रदायिकता नजर आती हो, जिस नारे ने पूरे देश को एक किया हो, वंदे मातरम के बाद जय श्री राम का नारा धार्मिक बहुसंख्यक समाज का एक प्रतीक है, उसमें भी आपको सांप्रदायिकता नजर आती है, आप बिदक जाती हैं। अगर आप जा रही कहीं पीछे से कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो आप बिदक जाती हैं, पुलिस कार्रवाई करने लगती है, आपके गुंडे उनके घर पे जाके तोड़फोड़ करते हैं। तो ऐसा नहीं चलता भैया, ये भारत है, भारत बहुसंख्यक लोग भारत में रहते हैं, हर धर्म का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन किसी एक धर्म के बहुसंख्यक संप्रदाय के समुदाय के किसी एक आराध्य के विषय में अगर आपका की ऐसी सोच है तो आपको नकार दिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। राम हमारे दिलों में है, राम का नाम लेना, एक भवसागर के पार लोग जाते हैं, कहते हैं ना राम नाम आखिरी समय ले लीजिए भवसागर के पार, राम मुक्ति का नाम है, राम प्रेरणा है, राम एक भाव है। तो ऐसे राम के नाम से अगर आपको सांप्रदायिकता झलकती है तो आप मानसिक दिवालीपन का शिकार हो चुकी हैं जी। आपको समझना चाहिए कि जिस देश में राम आस्था के प्रतीक हों उसी के नाम से आपको चिढ़ हो रही है जी। तो आप कहाँ, किस स्तर तक आपका मानसिक दिवालियापन झलक रहा है ये आम जनता देख रही है जी। तो आपको उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। सर अभी कुछ दिन पहले वहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकान सिर्फ इसलिए तोड़ दी कि जो दुकानदार था उसने झंडा लगा रखा था बजरंग बली का, उसकी दुकान तोड़ दी गई और उससे कहा गया कि जब आकर माफ़ी मांगोगे तब दुकान खोलने की इजाज़त मिलेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए पश्चिम आप अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, अगर बात केवल सिर्फ फरवरी महीने की बात की जाए तो फरवरी महीने में 4 ऐसी बड़ी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो चुकी हैं। टीएमसी का मंत्री बम धमाके में घायल होता है, कौन करता है? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सामने आता है। तो ये आपसी द्वंद्व जो चलता चला आया है, बुद्धदेव भट्टाचार्य की जब सरकार थी उसके बाद परिवर्तन होता है, ममता बनर्जी की सरकार आती है तो परिवर्तन कहाँ है? कम्युनिस्टों का शासन रहता है तो भी वही स्थिति बनी रहती है, अराजकता का माहौल तो भी वैसे ही रहता है, और ममता बनर्जी की सरकार आती है तो भी अराजकता का माहौल चारों तरफ दिखता है। अब तक क्या था कि उनके डर तानाशाही रवैये के कारण आम जनता धीरे धीरे चुप थी, उसके पीछे कारण था कि उसको कोई विकल्प समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोगों के मन में ये आशाएं उम्मीदें बनी हैं कि केंद्र से अगर मोदी सरकार है, अमित शाह जैसे ताकतवर व्यक्ति अगर केंद्र में है तो पश्चिम बंगाल में भी अगर भाजपा के सत्ता में आती है तो यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, विकास की बातें होंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा और लोग भाजपा के पक्ष में अपने मतदान करेंगे जी। सर एक वक्त था कि जब कांग्रेस कहती थी कि राम काल्पनिक है, अब उसी नक्शे कदम पर ममता बनर्जी भी चल रही हैं, भगवान राम से चिढ़ना, जय श्री राम से चिढ़ना, तो कब जैसे कांग्रेस साफ हो गई, अब ममता बनर्जी की बारी है बंगाल से साफ होने? देखिए ममता बनर्जी का मूल का क्या है, कांग्रेस ही मूल है ना, तो वहीं से निकली है, तो विचारधारा तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस की जो विचारधारा उससे मिलती जुलती विचारधारा तो इनकी रहेगी। और जब जब भारत में धर्म के ऊपर प्रतिकार हुआ है, धर्म के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर जब जब प्रश्न चिन्ह लगाने का जिन्होंने भी काम किया है उनका समूल नाश हो गया है, उसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कांग्रेस का। आप उदाहरण जो राम सेतु को लेके कितना विवाद पैदा किया गया,
राम सेतु को तोड़ने को लेके, फिर भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेके, फिर जब राम मंदिर निर्माण की बात आती है तब लेके, और अभी भी वो भी अभी भी सीखे नहीं, अभी भी एक के बाद एक उनके ट्वीट आते हैं सोशल मीडिया पे भगवान राम को लेके, कुछ ऐसे कॉमेडियन कार्टून बनाए जाते हैं, तो वो कभी सबक लेने वाले नहीं हैं। उसी रास्ते पे ममता बनर्जी चल रही हैं। सर एक चीज़ और है कि ममता बनर्जी ने जब कोई नेता आ रहा है तो वहाँ पर धमकी दे रही है कि जो नानूर की घटना है उसको मत भूलना, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए उनके तानाशाही रवैये, मैंने कहा ना ममता बनर्जी एक तानाशाही शासक हैं जी, और लोकतंत्र में तानाशाहियों का जगह नहीं है, और ममता बनर्जी को उनकी असली जगह क्या है वो पश्चिम बंगाल की जनता इस बार पहुंचा देगी जी। उनको बता देगी कि आपकी असली जगह दीदी कहाँ है, आप जाइए, बहुत 20 साल आपने शासन कर लिया, 20 साल आपके दबाव में हमने बहुत जी लिया, हमने घुट घुट के बहुत जिया है जी। अब अवसर है कि हम नया विकल्प चुनेंगे, नए लोग आएंगे और आपको आपकी जगह पे हम पहुंचाएंगे। वहाँ अभी बीजेपी ने एक गाना भी लॉन्च किया है, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि बुआ आंटी आप चलो बाहर, आपने ये किया, आपको अब बाहर का रास्ता जाना चाहिए जी, जी, तो ये आम जनता की आवाज़ है, ना कि बीजेपी के इस गाने की आवाज़ है, वो आम जनता की आवाज़ है और वो चाहती है कि ममता बनर्जी का शासन अब 20 साल के बाद ममता बनर्जी वापस पवेलियन अपने जाएं और सत्ता परिवर्तन हो और विकास के नए अवसर खुलें जी। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो इतने भी विपक्ष में बैठे लोग हैं, ये जो भगवान पर राजनीति करते हैं, सिर्फ भगवान को भगवान के नाम पर चिढ़ने लगते हैं सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, तो क्या उनका वोट बैंक भगवान के नाम से चिढ़ता है क्या कि ये लोग वोट बैंक के लिए ऐसी हरकतें करते हैं? देखिए है क्या कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दो समुदाय हैं जी, उनको क्लियर कट ये पता है मेजॉरिटी में जो हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास ऐसी बात कही है, विश्वास में सबको लेने की बात करती है, उसकी नीतियाँ अंत्योदय की योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक, समाज के आखिरी पायदान पर पहुंचे व्यक्ति तक के लिए होती हैं। लेकिन समाज में एक धारणा है कि अल्पसंख्यकों का वोट उसी को मिलेगा जो हिंदुत्व को गाली देगा जी, जो सनातन की बदनामी करेगा, जो संघ को गाली देगा जी। तो ये योजनाएं जो हैं मोदी सरकार की वो सबके पक्ष में होनी हैं, तो ये सीधी बात है कि वो उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। आम जनता समझती है, उसके आराध्य के विषय में अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका जवाब कैसे देना है, हमारे हाथ में वोट का बटन है, हम वोट दबाएंगे, हम उनको जवाब देंगे जी। धन्यवाद सर।